शौचम का मतलब शौचाचार, पवित्रता के जो नियम है उसका हम अनुपालन करें। और वह शौचाचार कैसा हो? बोले हमारे मन और हमारी बुद्धि से निर्णीत न हो, शास्त्र सम्मत हो। शास्त्र जो शौचाचार कहता है, शास्त्र जो विधि बताता है, उस विधि से हम शौच का और पवित्रता के नियमों का पालन करें। अब ये बड़ा गंभीर विषय है, इन विषयों पर चर्चा हम नहीं करेंगे। स्वाध्याय, समय समय पर सात्विक ग्रंथों का स्वाध्याय भी करते रहना चाहिए। अनेक ग्रंथों को पढ़ना छोड़कर अपनी उपासना के अनुकूल, अपने इष्ट के अनुकूल जो ग्रंथ हो उन्हीं ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए। अनेक प्रकार के ग्रंथों का, सिद्धांतों का अनुशीलन करने पर बुद्धि में वैमत्य उत्पन्न हो जाएगा, बुद्धि में भ्रम पैदा होगा। इतनी बड़ी बुद्धि हमारी आपकी नहीं है कि हम उसको संभाल सकें और सब कुछ ग्रहण करके तत्व का निर्णय करके स्थिर हो जाएं। अनेक अनेक ग्रंथ और सिद्धांतों का चिंतन करने पर भ्रमित होने का भय रहता है। इसलिए केवल भगवत शास्त्र, जिसमें भगवान की महिमा हो और भगवत भक्ति की महिमा हो, ऐसे ग्रंथों का ही अनुशीलन और स्वाध्याय साधक को करना चाहिए। और इसका मतलब ये भी समझ ले कि ऐसे ही विषयों को सुनना भी चाहिए। प्रवचन सुनने के नाम पर सब कुछ सुनने लगोगे तो बुद्धि में और भ्रम पैदा हो जाए, क्योंकि इतना भ्रम पैदा करने वाले लोग दुनिया में हैं, क्या क्या बता देंगे, क्या क्या समझा देंगे, आदमी उसी में परेशान हो जाए। इसलिए स्वाध्याय, सात्विक शास्त्रों का स्वाध्याय चिंतन और सात्विक महापुरुषों के वचन को, वाणी को, शास्त्र को श्रवण करें। बहुत के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, आधा समय तो जीवन का बीत गया। और नए सिरे से सब कुछ पढ़ने और समझने की अब क्षमता नहीं कि हम स्वयं समझ करके, पढ़ करके जान लें। भगवान शंकराचार्य की एक पंक्ति है, भगवान शंकराचार्य कहीं जा रहे थे तो 60 वर्ष का कोई बूढ़ा व्यक्ति था, वो लघु सिद्धांत को, वो भैया को अष्टाध्यायी लेकर के और पाणिनि के धातु पाठ को लेकर के रट रहा था बैठ कर। 65 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति रट रहा था, क्या रट रहा था? बोले डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे धातु है व्याकरण में, एक क्रिया है, उसी धातु क्रिया को, सूत्र को रट रहा था। भगवान शंकराचार्य पहुंचे, शंकराचार्य जी ने पूछा, अरे 65 साल की तुम्हारी अवस्था हो गई है, अब रट रहे हो? ये तो सब विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं बचपन में, अब पढ़ करके क्या करोगे? बोले अब शुरू किए हैं, अब इसको पढ़ेंगे, पढ़ करके व्याकरण के पंडित बनेंगे और व्याकरण बनकर के, व्याकरण के पंडित बनकर के फिर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, फिर प्रवचन करेंगे, व्याख्यान करेंगे, सब कुछ समझेंगे। भगवान शंकराचार्य ने कहा, पागलपन मत करो, अब तुम्हारा समय आ गया है, अब ये डुक्रिय करने पढ़ने से तुम्हारी रक्षा नहीं होगी, अब तो केवल एक काम करो, भगवान का भजन करो। तो बोले अब वो तुम पढ़ करके समझोगे, ये संभव नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, प्राप्ते सन्निहिते मृत्यु नहीं नहीं रक्षत डुक्रिय करणे, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये डुक्रिय करणे तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जीवन बीत गया, बालस्तावत क्रीडासक्त, तरुणस्तावत तरुणी रक्त, जब तक बचपन था तब तक खेलने में बिता दिया, जवानी आई, तरुणता आई तो तरुणी में व्यामोहित हो गए। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरणी रखता, वृद्धस्तावत चिंता मग्न। आज बुढ़ापा आया तब ये चिंता भाई तुमको कि अब पढ़े लिखे और विद्वान बन करके ये सब जाने। पारे ब्रह्मण को भी न लगता, उस पर ब्रह्म परमात्मा में तुमने अपने मन को नहीं लगाया, अब तो सब छोड़ो, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंद का भजन करो। कहने का भाव कि समय बहुत कम है, जीवन का समय निकल चुका है, अब ज्यादा पढ़ करके, याद करके और तब समझ करके हम कुछ करें, ये समय अब नहीं रहा। अब क्या करना? बोले अब तो चुपचाप महापुरुष की वाणी को मान करके लकीर के फकीर बन जाओ, जितना उन्होंने बता दिया उतना करते रहो, करते रहो, आंख बंद करके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच करीबे को, बहुत कुछ काह काह कीजिए। समय बहुत कम है, करने को बहुत कुछ है। क्या क्या करेंगे? पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहां कहां पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। बस भगवान का नाम लो, भगवान के भजन में समय व्यतीत करो। बाकी समझने के लिए पंडित विद्वान लोग हैं, ये समझते समझाते रहेंगे, और आपके लिए तो इतना ही है। कपिल भगवान ने कहा कि स्वाध्याय करना चाहिए, सात्विक शास्त्रों का स्वाध्याय करें यथाशक्ति, पुरुषार्चनम, और भगवान परम पुरुष की हम पूजा